हमारे साथी जो सर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ेंगे जनरल, जनरल है ना, जनरल के संस्थापक कौन है? जनरल के संस्थापक कौन है? ऋषभ देव। ठीक है, हम पूछे आपसे जनरल के प्रथम तीर्थ पर कौन है? कौन है प्रथम तीर्थ पर? प्रथम तीर्थ कर ये जैन। ठीक है, जो ऋषभ देव है ना, इनका दूसरा नाम क्या है? क्या नाम है दूसरा? इनको आदि नाम बोलते हैं। ऋषभ देव और इनके दूसरे साथी जो हैं, कौन है दूसरे? एक तो ऋषभ देव है, और ये दो ऋषभ देव और अरस्टिनम, ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋषभ देव और अरस्टिनम। प्रथम तीर्थ का कौन है? ऋषभ देव है। संस्थापक कौन जैन धर्म के? ऋषभ देव। आपसे पूछे जो जैन धर्म के 23वें तीर्थ का कौन है? कौन है 23वें? तेईसवें कौन है? पार्श्वनाथ। चौबीसवें कौन है? चौबीसवें माधव स्वामी। ठीक है, तेईसवें पार्श्वनाथ। आपसे पूछे पार्श्वनाथ जो है ना, इनके पिता का नाम क्या है? इनके पिता अश्वसेन। ठीक है, कहाँ के राजा? काशी के राजा। पार्श्वनाथ के पिता का नाम? कहाँ के राजा? काशी के राजा। काशी के राजा। इनकी माता का नाम? बाबा देवी। क्या नाम इनकी माता का? बाबा देवी। बाबा देवी। इनकी पत्नी का नाम? पत्नी। पत्नी कौन है? इनकी पत्नी जो पार्श्वनाथ है ना, इन कितनी वर्ष की अवस्था में इन्हें अपना घर छोड़ दिया, संन्यास कब लिया, कितनी वर्ष की? 30 वर्ष की आयु में इन्हें संन्यास ग्रहण कर लिया। ठीक है, और इन्हें घर छोड़ दिया है ना। घर छोड़ने के बाद ये जैन धर्म में शामिल हुए, 23वें तीर्थ का कहलाया। कितनी वर्ष? 30 वर्ष। कितने दिन तक इन्हें तपस्या करी? तपस्या कितने दिन करो? कितने दिन? कौन सी जगह पर करेंगे? स्थान कौन सा? स्थान कौन सा? कितने दिन की तपस्या? 83 दिन की तपस्या। कहाँ? सामेत पर्वत। कितनी वर्ष, कितने वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया? 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया। 83 दिन की घोर तपस्या करने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितने दिन की? फिर क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितने दिन की तपस्या में? 83 दिन की है ना। इनके पिता का नाम अश्वसेन, माता का नाम बामा देवी, पत्नी का नाम प्रभावती,
कितने दिन की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया? 30 वर्ष। कितने दिन तपस्या करी, ज्ञान प्राप्त हुआ? 83 दिन। कहाँ? शामिल कर, सही ना। उसके बाद जो पासर बनाते थे ना, इन्होंने 4 आचरण पालन करने को कहा। कितने आचरण? 4 आचरण पालन करने को कहा। कौन कौन से? आगे बढ़े। इन्हें का 4 आचरण पालन करने को कहा, ठीक है। पहला कौन सा? हमेशा सत्य बोलो, ठीक है, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो भी बोलना है सत्य बोलो। दूसरा? और कौन सा? असत्य। मतलब असत्य असत्य मतलब क्या? तुमने क्या बताया? सत्य सत्य मतलब चोरी ना करो, ठीक है, चोरी कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है, हमेशा ईमानदारी भी कितना मिले उतना ही, ठीक है। किसी को अहिंसा का मतलब होता है ईमानदारी, हिंसा नहीं करना। अपरिग्रह, मतलब हमको इतना ना करो, जितना जरूरत है उतना ही कमाओ, उतना ही रखो, ठीक है। कमाओ मतलब कितना भी अपने पास ना रखो, उसे किसी गरीब है, किसी को खाना खिलाया, कुछ भी दान दिया, ठीक है, मतलब हमको इतना वो मैं तो ना दो कि ऐसा लोग आज के ज़माने में देखते हैं ना, लोग धन के चक्कर में एक दूसरे को मार देते हैं जान से, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हुआ था होली पे, ऐसा नहीं होना चाहिए, उतना कमाओ। थोड़ी जगह पीछे एक सही ना, इनने 4 आचरण पालन करने को कहा, एक सत्य बोलो, ठीक है, सत्य अहिंसा असत्य अपरिग्रह, सही ना। फिर जो पासर बनाते ना, इनके जो महावीर स्वामी थे ना, इनके माता पिता पार्श्वनाथ के कौन थे? अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे? पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। जो महावीर स्वामी थे, जिनके माता पिता किसके अनुयायी थे? पार्श्वनाथ। किसकी चर्चा कर रहे हैं? पासर बना चर्चा कर रहे ना। उसके बाद जो महावीर स्वामी थे, इनके माता पिता थे उनके अनुनाई, ठीक है। आपसे पूछेगा महावीर स्वामी के माता पिता किसके अनुनाई थे? शिष्य हो गए, ठीक है, उनके अनुनाई थे, ठीक है। यहाँ पासर बना की बात, ठीक है। अब बात करेंगे महावीर स्वामी की, तो इन तक 23 में 24 में तीर्थ कर कौन थे? जिन धर्म में 24 में तीर्थ कर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थ कर थे? 24। जो उसमें थे ना, और इनके बचपन का नाम क्या था? इनका जन्म कब हुआ? कब हुआ? 40 साल। इनके बचपन का नाम या दूसरा नाम? वर्धमान, ठीक है। जन्म 540 ईसा पूर्व। कौन से स्थान? कुंड ग्राम ध्यान रखना, ठीक है। एक होता है कुंडल वन, ठीक है, कुंडल वन ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है,
और ये बिहार में इस बात को ध्यान रखना, कुंडल कुंड ग्राम नहीं है, कुंडल मत ठीक है, ऐसा कुंड ग्राम है वैशाली में, कुंड ग्राम में बताऊँगा। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। पिता कौन थे? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। इनकी माता? इनकी पत्नी? इनका भाई कौन था? भाई कौन था? और इनकी पुत्री? इनका दामाद कौन था? इनका पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, पत्नी यशोदा, भाई नंदी वर्मन, पुत्री प्रियदर्शनी, जमाली तमाम दादी वर्मन। ये महावीर स्वामी थे ना, इनने संन्यास सन्यासी का चोला कब पहना था और ये जैन धर्म शामिल कब हुए थे? कब ये भी पता? इन्हें भी 30 वर्ष की आयु में धर्म अपना छोड़ दिया था। कितने वर्ष? 30 वर्ष में गृहस्थ त्याग। इन्हें 30 वर्ष में अपना घर त्याग दिया ठीक है। कितनी अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया ठीक है। कितने कितना टाइम तक इन्होंने घोर तपस्या करी तब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? कितने वर्ष तक? कितने वर्ष? 12 वर्ष। इनने 12 वर्ष के प्रति घोर तपस्या करी तब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनको ज्ञान की प्राप्ति कौन से गांव में के निकट हुई? कौन सा ग्राम था? जिनामे गांव था। एक गांव था जिनामे गांव ठीक है, उसके निकट एक नदी थी। कौन सी नदी? ऋजुपालिका। कौन सी नदी? जिनामे गांव के निकट एक नदी का नाम ऋजुपालिका। कौन सी नदी? ऋजुपालिका नदी। नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। कौन से दिन? कौन से दिन हुआ ज्ञान प्राप्त? वैशाख माह के 10वें दिन। वैशाख का महीना था, कौन सा 10वां दिन? वैशाख के महीने में 10वें दिन पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। कौन से वृक्ष के नीचे? आप कौन सा वृक्ष? उस ज्ञान का नाम क्या था? आपसे पूछेगा महावीर स्वामी ने कौन सा ज्ञान प्राप्त किया था? कौन सा ज्ञान? केवल ज्ञान। आपसे पूछेगा गौतम बुद्ध जो थे ना, उनने कौन सा ज्ञान प्राप्त किया था? उनने बोधि ज्ञान। बोधि ज्ञान कौन सा ज्ञान? बोधि ज्ञान। और महावीर स्वामी ने केवल ज्ञान। महात्मा बुद्ध ने बोधि ज्ञान प्राप्त किया था और महावीर स्वामी ने केवल ज्ञान प्राप्त किया।
इस कारण ये महावीर कहलाते हैं। जभी से ये महावीर कहलाए, ठीक है, जब से जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तभी ये महावीर कहलाए। ये पूछेगा हमसे, ये कन्फ्यूजन करेगा हमसे, ये पूछेगा महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई उस ज्ञान को क्या कहा गया, केवल कहा गया, ठीक है, और पूछेगा गौतम बुद्ध को ज्ञान को क्या कहा गया, उन्होंने जो प्राप्ति किया तब उन्हें बौद्धिक ज्ञान कहा गया, बौद्धिक ज्ञान, ठीक है, कोई दिक्कत। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना तब इन्हें गंगा प्रदेश में कहाँ दिया, कहाँ दिया, इन्हें अपना पहला प्रदेश कहाँ दिया, राजगृह कहाँ है,
सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान तीसरा सामने का है ना, ये द्रव्य तीन रत्न है, कौन कौन से? सामने दर्शन, सामने ज्ञान और सामने का है। इसी तरह से बौद्ध धर्म तीन रत्न है, बौद्ध धर्म उसका नाम है, एक बौद्धम बौद्धम संगम धर्म ऐसे गच्छा में कुछ उसका तीन है। ठीक है, एक बुद्ध संगम, संघ शरणम और धम्म शरणम। ठीक है, इसी तरह है, ये इनको ध्यान रखना। ठीक है, साम्यक दर्शन और साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण, ये तीन रत्न है किसके? जैन धर्म के। और इसके बाद महावीर स्वामी ने एक महाव्रत जोड़ा, उस महाव्रत का क्या नाम? ये ब्रह्मचार्य जो महाव्रत है ना, ये किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने जोड़ा। अब कितने महाव्रत हैं? महावीर स्वामी ने पांचवा महाव्रत जोड़ा है ब्रह्मचार्य। अब जिन कितने महाव्रत है? अब कुछ पूछ रहे हैं आपसे, हाथी गुफा का जो साक्ष्य है ना, सबसे पहले कहां से मिले? कहां से मिले हाथी गुफा? कल हमने लिखवाया था जी, अभिलेख क्या होता है? अभिलेख स्तंभ, आज के टाइम पे न्यूज पेपर है। ठीक है, आज के टाइम पे न्यूज पेपर अखबार है। ठीक है, तो हर एक जगह की खबर अखबार न्यूज पेपर से मिलती है। पहले क्या होता था, अशोक के समय में अभिलेख होते थे, अभिलेख स्तंभ, पता? कोई भी बड़ा स्तंभ होता था ना, तो अपने कोई भी राजा होता है ना, अपनी महान अच्छी अच्छी बातें जो होती थी वो आप उसे अभिलेख में लिखवा देता था, अपनी महानता। तो वो एक जानकारी का काम करता था। ठीक है, मतलब कोई भी व्यक्ति आता तो उसको पढ़ता कि हाँ उसमें लिखा होता है सूचना पठन होता था। ठीक है, और यह जो सूचना, ये हाथी गुफा अभिलेख था ना, इसमें ये लिखा था जैन धर्म जो था ना, उसकी जानकारी इसमें मिलती थी। ठीक है, इसमें लिखी थी जैन धर्म की। तो आपसे पूछेगा, हाथी गुफा गुफा अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? कि जैन धर्म की जानकारी मिलती है, ये पूछ आपसे पूछेगा। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा, जैन धर्म जो है ना, इस ये दो भागों में किस राजा के शासनकाल में विभाजित हुआ? कौन सा राजा था उसमें? चंद्रगुप्त मौर्य था ना, चंद्रगुप्त मौर्य वंश का सम्राट था ये। ठीक है, संस्थापक था, इसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म क्या हुआ? दो भागों में डिवाइड हुआ, दो भागों में डिवाइड हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के समय। सही ना, कौन कौन से दो भाग? देखो, एक स्तूत मत है और दूसरा स्तूल भद्र। कौन कहलाया? जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे, ये श्वेतांबर थे। ठीक है, श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और ये दिगंबर थे।
ये वस्त्र नहीं पहनते थे, ठीक है, ये नगण्य रहते थे, वस्त्र नहीं पहनते थे, और जो स्त्री भद्र थे ना ये सफेद वस्त्र धारण करते थे, ठीक है, इनको श्वेतांबर ये सफेद वस्त्र धारण करने वाला कहा गया, ठीक है। स्थूल भद्र के जो ना बोला ऐसे बता रहे जो स्थूल भद्र थे ना ये सफेद वस्त्र धारण करने वाले थे, ये कोई वस्त्र नहीं धारण करते थे। किसके समय में विभाजित है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय विभाजित है। मौर्य वंश का सबसे अच्छा जो मौर्य वंश था ना ये स्टार्टिंग का सबसे बड़ा वंश था और सबसे अच्छा वंश था, ये बहुत अच्छा राजा था। ये पता है आपने नाम सुना होगा उसका, उनका कौटिल्य चाणक्य नाम सुना होगा, चाणक्य नीति, चाणक्य नीति इनके गुरु थे, कौटिल्य चाणक्य, ठीक है। इन ये जो थे ना इनके गुरु कौटिल्य, एक उस घनानंद का नाम सुना होगा, घनानंद घनानंद राजा था, एक शासक बहुत बेकार था, ठीक है। घनानंद जो था ना घनानंद ऐसे लिखा है घनानंद, ठीक है, जैसा भी जो घनानंद था ना उसका शासनकाल था, ठीक है। उसके शासनकाल में क्या था, जो इनके जो राजा थे कौटिल्य, ठीक है, कौटिल्य जो थे ना इनके दरबार में गए घनानंद के, तो पता घनानंद ने क्या करा, इनका इतना अपमान करा और कौटिल्य के जो गुरु थे ना इनके चंद्रगुप्त के जो गुरु कौटिल्य उनकी छुट्टियाँ पकड़ के, इसीलिए उनकी छुट्टियाँ थी ना, छुट्टियाँ पकड़ के दरबार से बाहर निकाल दिया और इतना अपमान करा, कड़े के बाहर खींच के बाहर डाल दिया और इतना जलील करा उनको, कुछ कहीं नहीं। ऐसे घनानंद को बहुत घमंड था अपने शासन होने का, ठीक है। जो कौटिल्य थे ना इनने कसम खाई कि तेरा जो वंश राज है ना इसको सर्वनाश करेंगे, ठीक है। तब उन्होंने कहा तेरा राजवंश को सर्वनाश करेंगे, कुछ भी हमें करना पड़े। तब वो वहाँ से चले आए, चंद्रगुप्त छोटे थे, ठीक है, तब एक खेल खेल रहे थे कली कलिकम, उसमें खेल होता था कली कलिकम, चोर सफाई हो सकते थे ना, उसी तरह से खेल होता कली कलिकम खेल रहे थे। तब उनने जब देखा इनको ना, तब इनकी थोड़ी महत्ता देखो उनको थोड़ा अजीब तरह का लगा, मतलब इनके अंदर बहुत सत्यता थी और मतलब एक ऐसा लगा कि हाँ ये कुछ है कर सकता है, ठीक है। तब इनको उनने पास बुलाया, अपने इनने बुलाया अपने पास और इनको फिर बताया और इनको मतलब जिसी तरह से बहिला फुसला के जिस तरह से इनको रिझा सके वो रिझा के और अपने साथ लेके चले गए, ठीक है, अपने साथ रह के चले गए अपनी कुटिया में। इनको वही ज्ञान दिया, शिक्षा दी और पाला पोसा। अब जब मतलब ये तंदुरुस्त हो गए, सब कुछ फिट हो गए, सिखा पढ़ा के, ठीक है, फिर इनको तैयार करा उन्होंने युद्ध के लिए। और युद्ध के लिए फिर इतने इनको इतना इनको दिमागी इन्हें बनाया, बहुत ज़्यादा दिमागी, ठीक है, इतना दिमागी बनाया। और इनका ही और जो घनानंद था ना इनका ही पुत्र था, ये घनानंद इनका बाप था, इनका ही बाप था घनानंद, मगर इनको नहीं पता था ये हमारा बाप घनानंद और हमसे ही मरवाएंगे हमारे बाप को, मगर इनकी वंशागति थी। जो घनानंद था ना इसने घनानंद ने अपने बाप को मारा था और इसके बाप ने उसके अपने बाप को मारा था, ऐसे ही राजवंश में चल रहा था। तो इनने कौटिल्य ने कहा था कि तेरे से तेरे ही बेटे से तेरा ही सर्वनाश करवाएंगे, तू आज हमारे साथ में ऐसा कर रहा है। तो इनको ले जाके और इन्हें पता ही नहीं था और इनसे ही उनका वंश अपने बाप की हत्या करवाई और साम्राज्य स्थापित करवाया। सबसे पहला ये मौर्य साम्राज्य था हमारे भारत का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा साम्राज्य चलाया। कोई भी विदेशी यहाँ पर आता था, यहाँ पर एक आया था मेघस्थिनी आया था, ठीक है, वो कहाँ से आया, सिकंदर का राजदूत था, उसने आने के बाद एक पुस्तक लिखी थी इंडिका, उन्होंने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ना इतना कुशल राजा है, इतना बढ़िया राजा है, कभी जनता मतलब प्रजा इसकी बहुत कुशल बहुत धनी है, बहुत अच्छे काम करता है और बढ़िया शासन था, कभी इसने किसी को नहीं सताया, बहुत अच्छा शासन चलाया। ये था चंद्रगुप्त मौर्य और इसके समय में जैन धर्म दो भागों में डिवाइड हुआ, इनने जैन धर्म जो ना उसको अपनाया था, ये इनकी कहानी। और ये बहुत अच्छा शासन था और सबसे बड़ा उस समय का शासन था चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का सम्राट सेना। और इसका लाभ फिर चंद्रगुप्त मौर्य आया, फिर उसके बाद कौन आया, जो चंद्रगुप्त मौर्य था ना इसने दो शादी करी थी, पहले राजा होते थे तीन शादी करते थे, तीन शादी करी थी, फिर जो
जो आया था सिकंदर ना, सिकंदर का एक राजदूत था सेलुकस, सेलुकस जो था राजदूत उसका, तो सिकंदर तो लड़ते लड़ते थक गया, वो तो अपने मेसिडोनिया से आया था यूरोप से, सिकंदर यूरोप से आया, उसने 10 राजाओं को हराया और फिर इनकी जो सेना उन्होंने सुनी चंद्रगुप्त की मौत की, बड़े राज्य थे अब हम लड़ते लड़ते थक गए और इसका बड़ा राज्य हम लड़ नहीं पाएंगे, तो उन्होंने कहा हम वापसी लौट चलें, तो फिर वो वापसी लौट गया। ठीक है, तब उसका फिर राजदूत जो था सेनापति सेलुकस, उन्होंने कहा तुम जाओ और उनसे युद्ध करके आओ, फिर उन्होंने सेलुकस को भेजा। ठीक है, जब सेलुकस यहाँ पर आया तब सेलुकस जो था ना इनसे युद्ध करने के बाद वो हार गया सेलुकस। ठीक है, अब जब सेलुकस इनसे हार गया तब इनने संधि करी सेलुकस से, और संधि करने के बाद जो सेलुकस था ना उसकी पुत्री थी उनने अपनी बेटी का विवाह संघमित्रा इनसे करवा दिया उनने विवाह। ठीक है, सही ना, और इनसे विवाह करा दिया और इनसे इनका पहला एक विवाह हो चुका था। फिर इन्हें तीन शादी करी, इनकी तीन शादी थी, वो था इतनी गलत बात, तीन शादी करी। फिर उसके बाद मेघस्थली जाए, मेघस्थली ने इनका राज्य के बारे में बहुत अच्छी बात बताई, कई एक और मेघस्थली के अलावा और आए थे, सेंडो डोकस आए, सही ना, इनके जो साधु होते ना इनको, इनके साधु को क्या किस नाम से बोलते हैं, तीन नाम इनको बताए थे, इनके जो बाबा बनते हैं ना उनके तीन नाम अलग अलग से हम जानते हैं, एक तो यदि बोलते हैं और क्या बोलते हैं, आचार्य बोलते हैं, और क्या बोलते साधु, और उनको क्या बोलते हैं, उनको कुछ नहीं क्वेश्चन पूछेगा आपसे, कहीं क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, पूछेगा महावीर स्वामी की ने कौन सा ज्ञान प्राप्त किया आपको पता होना चाहिए। फिर आपसे पूछेगा जो महावीर स्वामी ने इनने पहला उपदेश कहाँ दिया आपको, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इनने कहाँ दिया। जो महावीर स्वामी है ना आपसे पूछेगा इनकी पहली संगति और दूसरी संगति कहाँ हुई, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ये हुआ ना, इसके बाद संगति, इनकी पहली संगति हमने लिखवाई थी कहाँ हुई, कल लिखवाई बताया था हमने, इनकी पहली संगति पाटलिपुत्र में हुई, और कौन सी संधि हुई, कौन सी ईस्वी में हुई, ईस्वी लिखी संधि लिखो, चतुर्थ ईसा पूर्व में हुई थी, चतुर्थ ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र, ये पाटलिपुत्र की कहानी सुना है देखो, तो पाटलिपुत्र है ना ये अछूतों की भूमि है, अछूतों की भूमि, जब वैदिक काल पढ़ाएंगे तब सुनाएंगे, चलो मैंने अभी सुनाया, ठीक है, जो पाटलिपुत्र है ना इस समय इसका नाम पटना है, पटना है, अच्छा पटना है, इसका नाम पटना है, ठीक है, जब हमारे जब आर्य आए थे ना मध्यशिया में, ठीक है, आर्य कब आए थे, आर्य मध्यशिया से आए थे, ये बात किसने बताई थी, ये विद्वान थे ना उनका नाम था मेक्स, उनका नाम था उनका मेक्स भूगल नाम था, ठीक है, आर्य मध्यशिया से आए थे इन्हें बताया था, आर्य मध्यशिया से आए थे, ठीक है, इनने ये बताया था आर्य कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, जो आर्य थे ना उनकी भाषा कौन सी थी, संस्कृत भाषा थी, ठीक है, आर्य की सबसे प्रिय भाषा कौन सी थी, संस्कृत भाषा, ठीक है, उनको संस्कृत जानते थे और संस्कृत ना वो अपने आप को संस्कृत जानने की वजह से वो अपने आप को इतना विद्वान मानते थे कि वो सोचते थे हमसे बड़ा कोई विद्वान है ही ना, ठीक है, और तो पता वो यहाँ भारत में आए आर्य, ठीक है, और आर्य भारत में कहाँ पे आए, हमारे सिंधु प्रांत जहाँ सात नदियाँ सप्त सिंधु प्रदेश है ना वहाँ पर रहे, वहाँ पर इसलिए रहे, वहाँ पर हरी सुविधा पानी उनकी रहने की और उपजाई खेती अच्छी सुविधा है, तो वहाँ पर उन्होंने सोचा यहाँ पर रहेंगे तो हमारा हर एक साधन अच्छे से पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर मिला होंगे, ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया, पंजाब मतलब सिंधु नदी के किनारे किनारे उधर जितना प्रांत है ना और सिंधु सभ्यता पंजाब उधर पाकिस्तान के किनारे किनारे सिंधु और पंजाब मतलब पंजाब के सातों नदियों के बीच में रहना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तब वो आए तो उन्होंने अपनी भाषा को संस्कृत
बोलते थे तो संत जब वो संत बोलते थे तो उनको लगता था कि हमसे बड़ा कोई, वो अपने आप को भगवान मानते थे एक हिसाब से, इतना विद्वान मानते थे कि हमसे बड़ा कोई विद्वान है ही नहीं। तब हमारे भारत देश में कुछ लोग थे राजा, उन छोटे छोटे झंडों में बैठे थे, ठीक है। तब कुछ राजा जो थे वो आदमी से मतलब चिढ़ते थे कि देखो उनको रहने के लिए मना करते थे, और कुछ ऐसे थे जो उनसे मतलब दारू मदिरा पिला के बजला फुसला के पहले क्या हो पहले इन्हें आगे उन्हें क्या करा, ठीक है। ये जो हमारे यहाँ के राजा थे ना इनको मदिरा आर्योदी सिखाई दारू पिलाना, ठीक है। और जो करते ना नौटंकी जो लड़की जो होती ना अयासी, ये सब आदमियों ने सिखाया है हमारे यहाँ के राजाओं ने। वो एक बढ़िया सुंदरी लड़की लाते थे ना और उनके साथ में उनको नचाते डांस करवाते थे, और जो यहाँ के राजा थे ना उसे देखकर वो इतना मतलब प्रफुल्लित होते थे ना देख के बहुत ज़्यादा। तो धीरे धीरे उसका हमारे यहाँ जो राजा थे ना उनसे बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गए, और वो अपनी अपनी बातों को एक दूसरे के फोन डालते थे। वो कहते थे तुम इतने महान राजा हो और वो दूसरा बेकार है, वो आपस में फोन डालते लड़ाते थे। तब ये पहला युद्ध हुआ था दशराज जी का युद्ध, दशराजों ने और उत्तर आर्यों ने लड़ा था, तो आर्यों की विजय हुई। तब पता आर्यों ने सोचा ना अब धीरे धीरे हम अपनी जो भारत में हमारी जो संस्कृत भाषा है ना हम और लोगों को अपनी संस्कृत भाषा सिखाएं। आर्यों ने ये सोचा कि हम और लोगों को संस्कृत भाषा सिखाएं तो संस्कृत भाषा सीखेंगे तो हमारा गुणगान करेंगे कि हमने सिखाई उनको भाषा, ठीक है। तब इनने दो ऋषि तैयार करे, उन दो ऋषि का नाम एक ऋषि का नाम था अगस्त्य ऋषि और एक का नाम था राहु गणेश, ठीक है। अब दो भागों में इन्हें दो ऋषियों को भेजा। अब इन्हें पता अपना जाल स्टार्ट कर दिया। अब इन्हें पता क्या करा, दो भागों में दो ऋषियों को भेजा, कहाँ कहाँ इन्हें पता यहाँ पर रहते थे यार, ठीक है। यहाँ से तब इन्हें दो ऋषि को भेजा, इन्हें कहा वहाँ पर जाओ, एक लोग जाओ उत्तर की ओर एक लोग जाओ दक्षिण की ओर। जो उत्तर की ओर गए उनका नाम था महाऋषि, ठीक है, महाऋषि राहु गण, ठीक है। और जो दक्षिण के लिए आ रहे हैं उनका नाम था महाऋषि अगस्त्य, ठीक है। जो दक्षिण के लिए आए थे तो पता जब ये संस्कृत भाषा सिखाते थे ना तो जो ऋषि थे ना संस्कृत भाषा सिखाते थे तो अपने मुंह में पता एक जलती हुई आग की ज्वाला मुंह में रखे चलते थे, ठीक है। दोनों ऋषि जब ये संस्कृत भाषा को बोलना मतलब सिखाते थे ना तब इनके मुंह में जलती हुई अग्नि ज्वाला होती थी, ठीक है। अब फिर ये चलते थे तब ये हम अपने आप को पवित्र मानते थे, अग्नि जब तक जलती रहती तब अपने आप को पवित्र मानते थे, ठीक है। अचानक की बात एक इस्तेमाल की बात हुई जब जो अगस्त्य ऋषि थे ना ये तो अपना पूरा प्रदेश निपटा चुके थे इधर, ठीक है। और इधर ये जो ऋषि थे इधर दक्षिण की ओर प्रवेश करे, ठीक है। जब दक्षिण की ओर प्रवेश करे ना तब यहाँ पर एक नदी पड़ती है गंडक नदी, गंडक नदी को पड़ती है बिहार में पाटलिपुत्र, ठीक है। गंडक नदी बिहार में पाटलिपुत्र पड़ती है और जो अगस्त ऋषि जा रहे थे ना तो उसमें पुल तो था ही नहीं, ठीक है। अगस्त ऋषि जा रहे थे पुल था ही नहीं, अब जब पुल नहीं था तो उनको नदी पार करनी थी, मतलब पूरे भारत में उनको संस्कृत भाषा आदिकरण करना है, ठीक है। तब इन्हें पता क्या करा, उसे गंडक नदी को पार करने की कोशिश करी और अचानक से क्या हुआ ये जा तो उथले उथले में रहते, ठीक है, और अचानक में पता ये नीचे घुस गए, ठीक है, मतलब गंदी खान में, ठीक है। अब ये डूब गए, ठीक है, वहाँ पर अब जब डूब गए मतलब पूरे नहीं डूबे, इतना डूब गए कि इनके जो मुँह में आग थी ना वो ज्वाला बुझ गई, ठीक है, बुझ गई, ठीक है। और ज्वाला बुझने के कारण, ठीक है, ये गंडक नदी में पाटलिपुत्र में बिहार में वो ज्वाला बुझी, तब से पता पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कहा जाता है अर्थवेद में, इस बात को अर्थवेद में आपसे पूछेगा पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कहा जाता है,
इसीलिए गंगा जो होता ना जो 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 कांवड़ जाती है ना पटना से एक गंगा का पुल है, गंगा नदी पटना से जाती है, पटना से कोई गंगा का पानी नहीं भरता है क्योंकि अछूत है वहाँ का पानी, ठीक है। पटना का सब लोग पता है झारखंड से गंगा का पानी लाते हैं और फिर झारखंड में जो कांवड़ चलती है ना वही जा रहा था, यहाँ से पटना से कोई नहीं पानी देता है। पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि इसलिए कहा गया, ठीक है, ये इसी की आग बुझने के कारण इनने बोल दिया है अछूतों की भूमि है, इसलिए यहाँ का जो पानी गंगा का, यहाँ पानी का गंगा नहीं, गंगा का पानी नहीं लेते हैं, जो कांवड़ डाले जाते हैं ना वो झारखंड से पानी लाते हैं, बिहार वाले से भी, पटना से पानी नहीं लेते, अछूत बोलने के कारण इसीलिए बोला गया। आपकी तरफ पानी लेने को चारा